करनाल में महिला पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमण से आपको बचाने के लिए सड़कों पर तैनात हैं। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए वो दिन रात ड्यूटी पर तैनात हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी देश की जंग में अलग अलग क्षेत्र के योद्धा बड़ी संख्या में तैनात हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के साथ ही इस समय जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर भी बढ़ गई है। पुलिस के कंधे पर ना सिर्फ कानून और व्यवस्था का पालन कराने बल्कि लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घरों में ही रहे यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। हरियाणा के करनाल में संक्रमण के खतरे के बावजूद महिला पुलिस की टीम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। खतरे की परवाह किए बिना ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी मानो यह संदेश दे रही हो कि डर के आगे ड्यूटी है। ड्यूटी पर तैनात इन महिला पुलिसकर्मियों के परिवार वालों को भी उनकी सेहत की फिक्र है, लेकिन जिम्मेदारी और फर्ज उनके लिए डर से आगे है। करनाल में अलग अलग जगहों पर ड्यूटी दे रही महिला पुलिसकर्मियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन में अपनी जान की फिक्र ना करते हुए कैसे पुलिस आपकी सुरक्षा में तैनात है, ये तस्वीरें उसी का सबूत है। तमाम परेशानी खुद उठाकर भी पुलिस वाले आपको कोरोना से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए ही देश लॉकडाउन है। कोई बेवजह घर से ना निकले यह देखने की जिम्मेदारी पुलिस कर्मचारियों के मजबूत कंधों पर दी गई है। हर चौक चौराहों पर पुलिस मुस्तैद है, जिसमें कुछ स्थानों पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। घर परिवार से दूर ज्यादा महिला पुलिसकर्मी पुरुष के समान ही ड्यूटी कर रही हैं। कई जगहों पर तो महिला पुलिसकर्मियों में पुरुषों से ज्यादा जज्बा दिखाई दिया। कई घंटों तक कड़ी धूप में लगातार खड़े रहकर लॉकडाउन का पालन करना छोटी बात नहीं है। इनके लिए लॉकडाउन कोई लड़ाई से कम नहीं है। परिवार से दूर रहकर संकट के समय देश सेवा में मोर्चे पर इनके डटे रहने की हर कोई तारीफ कर रहा है। महिला पुलिसकर्मी दिन रात एक करके ड्यूटी कर रही हैं। कोरोना के मद्देनजर लोगों को नियम पालन कराने के लिए सड़कों पर तैनात हैं। हर छोटी और बड़ी गाड़ी पर इनकी खास नजर रहती है ताकि कोई धोखे से भी शहर के अंदर प्रवेश ना कर सके। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर देश भर में 3 मई तक का लॉकडाउन चला हुआ है। लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी 24 घंटे नाकों पर तैनात है। ऐसे ही कोरोना योद्धा महिला पुलिस कर्मचारियों के बीच आज हमारी टीम पहुंची। इस दौरान नाकों पर अपनी ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिस कर्मचारियों ने कहा कि सबसे पहले देश सेवा है, उसके बाद हमारा परिवार है। 22 मार्च से देश भर में लॉकडाउन चला हुआ है, जहां अस्पतालों में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना से ग्रस्त मरीजों का इलाज कर उनकी जान बचा रहे हैं। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस भी 24 घंटे शहर भर के नाकों पर अपनी ड्यूटी देते हुए नजर आ रही है, जिसमें खास तौर पर महिला पुलिस कर्मचारी की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। यहां करनाल जिला पुलिस की बात करें तो पुलिस अब तक लॉकडाउन को सफल बनाने में कामयाब रही है। पुलिस का चाहे छोटा कर्मचारी हो या फिर कोई बड़ा अधिकारी, हर कोई अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। जैसे कि हमें अखबार वाले मीडिया भाइयों का पहले तो ट्रैफिक शहर पुलिस की तरफ से स्वागत करता हूं, जो कि हमारी खबरों को लोगों को जागरूक करने के लिए भेजते रहते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दी हूँ। रही दूसरी बार लॉकडाउन का जो सेकंड चरण चला हुआ है, हमारा करनाल जिला बहुत अच्छा इसमें कामयाबी मिली है, लेकिन कुछ चीज़ें 20 तारीख से खुलने के कारण कुछ लोग का आगमन ज़्यादा बढ़ा है, तो उसके लिए हमारे डीसी साहब श्री निशांत यादव जी और एसपी साहब श्री सुरेंद्र जी बोरिया के आदेश अनुसार जो बेवजह से शहर में घूमते हैं, दवाई लेने का बहाना लगाते हैं या वैसे चाय पानी का या किसी चीज़ के बारे में वो शहर से बाहर आते हैं, तो उन आदमियों को सख्ती कार्रवाई की जा रही है, उनके चालान किए जा रहे हैं और गाड़ियां तो इम्पाउंड की जा रही है। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप इस दौरान? इस दौरान मैं लोगों से आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा, भाई आप ना करनाल जिले को इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचाकर रखें। आप घरों में सुरक्षित रहेंगे, सोशल डिस्टेंस बनाए रहेंगे, तो आपका शहर सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। मैं तो अपील करूंगा कि आप है ना अपने घरों में ही रहें। सर, ऐसे लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो स्लिप दिखाते हैं कि हम दवाई लेने आए हैं, जबकि उनके पास हेलमेट नहीं होता, इंश्योरेंस नहीं होता और आरसी नहीं होती, फिर उनके चालान काट दिए जाते हैं, फिर वो कहते हैं हम तो दवाई लेने आए हैं।
उसके बारे में ये कहूँगा भाई आप के माध्यम से भाई जो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी हो तो आप घर से बाहर निकलें ना तो अपने घर पे रहें, तो घर से बाहर निकलोगे बगैर मतलब के तो आपका चालान किया जाएगा। आपके साथ जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनको कैसे जागरूक करते हैं कि वो अपना बचाव करें, क्योंकि बड़े पुलिस वाले इस दौरान हादसे का शिकार हो चुके हैं। उनको हम कहते हैं भाई आप है ना जब भी चालान करते हो किसी से ना सोशल डिस्टेंस बनाकर बात कीजिए, आप उसके मतलब डॉक्यूमेंट्स को टच ना कीजिए, आप दूर से देखिए और दूर से देखने के बाद अगर उसके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो उसको जाने दीजिए, अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं तो उसको गैबे चलान होगा। घर कितने दिन में जाते हैं आपके कर्मचारी? घर में तो ऐसे है कि भाई टाइम तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ हमारा मकान होने की वजह से अपना शाम को लेट चले जाते हैं घर में। तो क्या सुरक्षा रखते हो घर जाके? घर जाकर सुरक्षा ये है कि जब हम घर पहुंचते हैं तो हम ना पहले बच्चों से नहीं मिलते हैं, अपना आना पहले सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं, फिर उसके बाद अपनी वर्दी निकालते हैं, वर्दी निकाल के फिर हाथ मुंह धो के फिर उसके बच्चों से बात करते हैं। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.